हेलो वन वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सूरज कुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। मैं सिखाता हूँ आज जो हम सीखने वाले हैं वो आपका फ़ोन अगर गायब हो जाता है, आपका एंड्रॉयड फ़ोन गायब हो जाता है तो हम कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड योर एंड्रॉयड फ़ोन। तो आइए इस बात को सीखते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपका एंड्रॉयड फ़ोन चुरा लेता है या कहीं छूट जाता है और आपको दिक्कत हो रही है कहाँ गया मेरा एंड्रॉयड फ़ोन, तो उसको हम कैसे सर्च कर सकते हैं। मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन से आपको बताऊँगा। मेरे पास रेडमी नोट 41 एक एंड्रॉयड फ़ोन है जो मेरे पास ही रखा हुआ है, इसकी लोकेशन मैं सर्च करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इससे सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन्स की लोकेशन आप सर्च कर सकते हो। एंड्रॉयड यानी जिस फ़ोन में नेट चलेगा वही फ़ोन की लोकेशन आप सर्च कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आईफोन भी सर्च कर सकते हो आप, लेकिन जो फ़ोन में नेट होगा सिर्फ वही सर्च कर सकते हो। तो चलो आओ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पर टाइप करना है वेयर इज़ माई फ़ोन। इसको टाइप करने के बाद इस लिंक पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका फ़ोन का लोकेशन अब आएगा। यहाँ देखिए फ़ोन जो है रेडमी 4A है, ठीक है, और लोकेशन देवरिया उत्तर प्रदेश दिखा रहा है और एक्यूरेट टू 1600 मीटर, ठीक है, ये 1600 मीटर के आसपास का एरिया है। इस पर क्लिक कीजिए आप। अब यहाँ पे पूरी लोकेशन आ रही है, ठीक है, क्लिक कीजिए और बड़ा हो जाएगा ये और भी ज़्यादा क्लियर आपको दिखाएगा। अब यहाँ देखिए दीनदयाल पार्क के आसपास आपका फ़ोन है, ठीक है, और डेली डायग्नोसिस ये जो दुकानें हैं आसपास की वो बता रहा है ये लोकेशन, ठीक है। तो ये इस तरह से करके आप फ़ोन को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लोकेशन क्या है हमारी, न्यू कॉलोनी साकेत नगर उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस तरह से आप फ़ोन को आप फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे, अब जैसे मान लीजिए कि इतना तो आपने कर लिया, अब जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि आपका फ़ोन मतलब कहीं छूट गया है और आप उसके जो फ़ोन है आपका वहाँ पे आप रिंग करना चाहते हो, तो रिंग कैसे कर सकते हो। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे प्ले साउंड जो लिखा हुआ है ना, सर्च करते समय जो प्ले साउंड का ऑप्शन आया है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप डेटा को इरेज करना चाहते हैं तो इरेज डिवाइस यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। आपको लगता है कि किसी ने चुरा लिया है और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है तो इसको यहाँ पर क्लिक करके आप इरेज कर सकते हो डेटा को। अगर आप अपने डिवाइस को सिक्योर करना चाहते हो, लॉक करना चाहते हो, तो यहाँ पर क्लिक करके आप लॉक भी कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हमें अभी लॉक नहीं करना तो इसको हम बाहर आते हैं। अगर आप चाहते हो कि उस पर घंटी बजे, आपने कहीं घर में कोई फ़ोन रख दिया है और वो मिल नहीं रहा है, आप चाहते हो कि घंटी बजे, फ़ोन पे साउंड बजे, फ़ोन पे बेल हो, तो कहाँ से करेंगे, यहाँ पे क्लिक करिए और देखिए आपको बेल सुनाई भी दे रही होगी। तो इस प्रकार से हम अपने खोए हुए फ़ोन को फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी किस प्रकार से हम फ़ोन को खुद ही फाइंड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल का नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।